एक एक सबूत के साथ खुलासा होगा। अमेरिका की तरह ही भारत की मीडिया के ऊपर चाइना का शिकंजा कस चुका है, वो जो चाहे लिखवा सकते हैं और पैसे के दम पर चाइना जो चाहे छपवा सकता है, आपकी मानसिकता खराब कर सकता है, दिमाग का धुआं निकल जाएगा कड़ी दर कड़ी जब सामने आएगी हकीकत और आपको पता पड़ेगा कि जो नेटवर्क है मीडिया में चाइना का कहां तक पहुंच गया। ये जो अनगिनत खबरें आप देखने वाले हैं, ये एक से बड़ा एक झूठ है, भारत के खिलाफ साजिश है। इससे बड़ा खुलासा आज तक नहीं हुआ होगा, कोई इतनी तह तक पहुंचा ही नहीं इससे पहले। 25 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पानी रहेगा भारत में। पाकिस्तान पूरी तरह चाइना के कब्जे में है और शुरुआत इसकी करनी थी 370 हटाने और उसके बाद चाइना को मजा चखाने की। 2019 अप्रैल के अंदर भाजपा का मैनिफेस्टो आता है जो कहता है 370-35A हम हटा देंगे। अगले ही महीने भाजपा की प्रचंड जीत हो जाती है, लोग कहते हैं इसको हटाओ, मई 2019 में। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का जो प्रेम छुपा है बांग्लादेश के अंदर नहीं छुपा, उसका एक खास कारण है। यहाँ पे जो बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, मगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जाने दिया, मगर उसे चाहिए ये कश्मीर। इस मैप को आप ध्यान से देखिए और आपको पता पड़ता है कि कश्मीर से ही पाकिस्तान पूरा का पूरा पानी पीता है। कश्मीर से अगर पानी उसको मिलना बंद हो जाए तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। सारी लड़ाइयां सारा खेल पानी के चक्कर में था पाकिस्तान, इसीलिए कश्मीर के लिए बार बार आक्रमण करता था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था झोंक दी केवल और केवल कश्मीर और उसकी नदियों के पीछे। मई 2019 के अंदर भाजपा की जीत के साथ ही भाजपा बना देता है जल शक्ति मंत्रालय और हो जाती है उसकी स्थापना। जैसे ही जल शक्ति मंत्रालय बनता है पाकिस्तान के होश फाकता हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि अब आगे आने वाले समय में क्या आएगा। और पाकिस्तान जो सोच रहा था उससे भी बुरा होता है, मई से जाकर अगस्त पहुंचते पहुंचते 370 और 35A खत्म कर दी जाती है। जो भाजपा ने कहा था उसने कर दिखाया, पाकिस्तान का गिरेबान पकड़ लिया और छटपटाहट हो गई चाइना के अंदर। इस समय तक अमेरिका के अंदर बहुत सारी मीडिया को चाइना खरीद चुका था और वहां अपने हिसाब से काम करवा रहा था, वैसा ही कराना था भारत के अंदर। चाइना का सबसे बड़ा हथकंडा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जाकर वहां की मीडिया को खरीद लो, और ये काम शुरू हुआ इंडिया के अंदर भी। अभी तक चाइना जो फॉरेन मीडिया को खरीद रहा था वैसे ही भारत के अंदर भी उसने अपने हाथ पसारे। आप देख सकते हैं भारत के अंदर जिस हिसाब से चाइना चाहता अपनी खबरें छपवाता। चाइना का सबसे बड़ा डर था 370 हटेगी, रिवर्स के ऊपर इंडिया कब्जा करके पाकिस्तान को वहां से हटवा देगा, पीओके खाली करवाएगा, कहीं तिब्बत को भी धीरे धीरे भारत आजाद न करवा दे। और चाइना ने धीरे धीरे एक एक जर्नलिस्ट को खरीदना शुरू किया, एक समय में एक को खरीद डालता। स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ थी, मीडिया खरीद लो, मीडिया नहीं बिके तो जर्नलिस्ट को खरीद लो, वो वहां पर उसके हिसाब से खबरें छापेंगे जो अभी आप देखेंगे। चाइना ने इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट को खरीदा, बहुत सारा पैसा दिया, उनको 50,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड भी दिया। और ध्यान से देखना ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके जर्नलिस्ट ने वहां जाकर स्टाइपेंड लिया, इसके अंदर जर्नलिस्ट का एक ऐसा नेटवर्क बन गया जो जब चाहे जैसी चाहे खबरें फ्लोट कर सकते हैं। और जब कई सारे न्यूज आउटलेट्स के अंदर एक ही तरीके की गलत खबर हर जगह छप जाती है तो उसका कोई मालिक नहीं होता, कोई उसकी माफी नहीं मांगता, चाहे सिरे से झूठ खबर वो प्रकाशित कर दें। खबर देखेंगे अभी आप। चीन और पाकिस्तान की पूरी की पूरी खुंदस जल शक्ति मंत्रालय पर आकर टिक गई, क्योंकि आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र का भी मसौदा बनना तैयार था। चाइना के भारत के अंदर कई लोगों से अच्छे रिलेशंस हैं, कई पार्टीज के साथ में उन्होंने MOU ज्वाइन कर रखे हैं, कुछ पार्टीज अलग अलग जगह सत्ता के अंदर भी है। राजस्थान के अंदर एक सिरे से फर्जी FIR लिखी जाती है और देशद्रोह की धाराएं भी उसके अंदर जोड़ने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर और यहां पर एक FIR लिखी जाती है जो जल शक्ति मंत्री के खिलाफ लिखी थी, जिसका कोई बेस तक नहीं था। और उस FIR के ऊपर सभी रूल्स को ताक के ऊपर रख के केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला बोला गया था। कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कराई थी FIR, राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक ने कराई थी FIR, यानी कि सरकार ने कराई थी। सोनिया गांधी के नजदीक अशोक गहलोत के कहने के ऊपर परिवादी बनते हैं महेश जोशी, जो कि मुख्य सचेतक है राजस्थान सरकार में। बात केवल इतनी थी, जल शक्ति मंत्री को कैसे भी परेशान करके डिस्टेबलाइज करो, हो सके तो उनका मंत्रालय छुड़वा दो, नया आदमी आएगा, 6 महीने 1 साल उसको समझने में लग जाएंगे कि क्या चल रहा है। मगर हुआ क्या, न्यायालय के नाम से फर्जी खबर छपवाई जाती है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जो कि हमजा खान और दीप मुखर्जी ने छपवाई थी। शुरू के अंदर आपको बताया था कि कुछ मीडिया हाउस के कुछ रिपोर्टर्स चाइना के अंदर रहकर आए हैं, 50,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड उठाते हैं, और उसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट भी शामिल थे, ये खबर थी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। अब देखिए जनसत्ता के अंदर भी यही खबर है, यही लोग लिख रहे हैं उसको, और ये जन
जनसत्ता भी उसी लिस्ट में शामिल है। और केवल जनसत्ता ही नहीं, कई सारे न्यूज सर्विस वाले भी शामिल थे जो कि खबरों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं। ये खबर एक न्यायालय के आदेश के अंदर है और उस न्यायालय के आदेश की कॉपी बहुत ही मुश्किल से मिली है। आप पढ़ोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो FIR थी, ना सिर्फ इसको रिजेक्ट किया गया बल्कि न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि राजस्थान सरकार न्यायालय को यंत्र बनाकर अनुसंधान पूर्ण करने की वैकल्पिक मंशा को प्रकट कर रही है, इतना गलत काम कर रही है। और ऑर्डर के अंदर यह भी लिखा गया कि आवाज का नमूना स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाता है, जबकि खबर के अंदर क्या लिखा था, जनसत्ता में लिखा है कि आप लीजिए आवाज का नमूना, कोर्ट का आदेश आ गया। हिंदू के अंदर भी लिखा है कि वॉइस सैंपल लेने की परमिशन मिल गई, झूठ। उसी लिस्ट के अंदर टाइम्स ग्रुप का अखबार भी था, जॉयच एंड जोसेफ यहां की पत्रकार इसी चीज को लिखती हैं, झूठ लिखती हैं कि परमिशन दे दी गई है। नवज्योति के अंदर झूठ खबर आई है कि सैंपल लेने की अनुमति मिल गई। एक ऐसा नेटवर्क इंडिया के अंदर बन चुका है जो सिरे से फर्जी खबर को फ्लोट कर सकता है, बिल्कुल सिरे से फर्जी। साफ तौर से कोर्ट ने माना फर्जी FIR है, किसी प्रकार का आवाज का नमूना स्वीकार किए जाने योग्य ही नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अस्वीकार कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, मगर मीडिया तो अपने असली मालिकों की ही हुक्म बजाएगी। ये आरोप किसी मीडिया हाउस के ऊपर नहीं है, मगर मीडिया हाउस के अंदर कौन रिपोर्टर किसके इन्फ्लुएंस में आकर किससे पैसा लेकर क्या खबर छाप रहा है, हर एक चीज के बारे में पता नहीं होता। और जब बहुत सारे रिपोर्टर्स एक साथ एक खबर छाप जाते हैं तो एक दूसरे का नाम लेकर बच जाते हैं और ये एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। चाइना के अंदर जिन मीडिया हाउस के लोग गए, जिन्होंने चाइना से स्टाइपेंड लिया, उनकी लिस्ट के अंदर ये सारी की सारी खबरें मौजूद हैं। क्या ये इत्तेफाक है? आप समझ रहे हैं कितनी खतरनाक सिचुएशन है। पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि मुद्दे क्या फ्लोट करने चाहिए और चाइना को पता है कि उनके पास में रिपोर्टर्स कौन कौन से हैं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये एजेंट्स आपस में मिलकर कोई प्लान करें, आप उसको रोकोगे कैसे? कोर्ट ने जिसको खारिज कर दिया उसको लिखते हैं कोर्ट ने अनुमति दे दी प्रेशर बनाने के लिए। हर अखबार के अंदर एक ही सी खबर, एक ही सा झूठ और इतना बड़ा झूठ केंद्रीय मंत्री के खिलाफ। सोचिए भारत के अंदर क्या कुछ हो सकता है अगर इसी प्रकार से फर्जी खबरें छपती रही तो। जल शक्ति मंत्रालय को डिस्टेबलाइज करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार एक FIR लिखती है। और सबसे अजीब बात यह है कि राजस्थान के अंदर उसी दिन मुझे भी एक सिरे से फर्जी FIR पर उठाया गया, 8 जुलाई को। इतना ज्यादा कोइंसिडेंस। कांग्रेस सरकार को परेशानी क्यों हो जाती है जब भी कोई सच बोलता है, तथ्यों को सामने दिखाकर सच बोलता है। मीडिया के अंदर कोई मुंह नहीं खोलता, इस प्रकार की खबरें सामने नहीं लेके आता, मेरे अलावा। उसी दिन मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की गई और उसी दिन इतना बड़ा खेल हुआ जो आपके सामने आ गया। रिपोर्टर्स के अंदर हमजा खान और बंगाल से आने वाले दीप मुखर्जी हैं। इसके अलावा केवल एक ही रिपोर्टर का नाम सामने आता है जिसका नाम जॉयच एंड जोसेफ है। मैं किसी नाम के अंदर किसी के जाति धर्म या प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मगर ये क्या कोइंसिडेंस है? तिब्बत को चाइना के पाले में डालने और चाइना का हक जताने वाली ये जो खबरें हैं, क्या ये कोइंसिडेंस हैं? क्या ये जो खबरें आप देख रहे हैं ये बिकी हुई खबरें नहीं है? अमेरिका की मीडिया को खरीदा जा सकता है तो भारत की मीडिया में कहां तक चाइना घुस चुका है? 5 जुलाई को मैं एक वीडियो के अंदर हल्का सा जिक्र कर देता हूं कि MOU अगर चाइना का कांग्रेस के साथ में है तो वो सामने ले आओ, गिरफ्तार कर लेते हैं रात को FIR करके। राजस्थान के मुकदमेबाज मुख्यमंत्री और क्या क्या करेंगे, कितनी फर्जी FIR करेंगे, कहां जाकर ये सब रुकेगा? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, आप खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए कितना झूठ बोलती है कांग्रेस सरकार, कितनी झूठी FIR करती है कांग्रेस सरकार और कितना मीडिया बिका हुआ है जो इतनी फर्जी से फर्जी से फर्जी खबरें छापता है। मिमिक्री आर्टिस्ट से एक ऑडियो बनाया जाता है और FIR रद्द करवा दी जाती है, मगर ये हिंदी पढ़ना नहीं आता जहां पे लिखा हुआ है आवाज का नमूना स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है। और ये जो खबर है ये आज तक आपने क्यों नहीं कहीं पर देखी, ये भी आप मुझे बताइए। एक सवाल मेरा, एक सवाल आपका, चाइना कांग्रेस MOU के अंदर क्या है बताइए सोनिया जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।